नमस्कार दोस्तों, एवन स्टडीज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मेरे चैनल पर हरियाणा जीके की एक सीरीज चल रही है, तो उसके 3-4 पार्ट मैंने अपलोड कर चुका हूं और उसी को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हुए मैं क्या करने वाला हूं, हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको वीडियो बना के दूंगा, आपको उसकी पूरी डिटेल दूंगा। और आज की पहली वीडियो जो है वो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ डिटेल में। तो इसमें मैं सारा कुछ उस डिस्ट्रिक्ट का कवर कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और कहाँ कहाँ पे मुझे थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिटेल में। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि पंचकुला डिस्ट्रिक्ट बना कब था। यह बना था 15 अगस्त 1995 को। हरियाणा का 17वां जिला था। 5 झरनों के कारण इसका नाम पड़ा था पंचकुला। और इसकी सीमाओं की बात करें तो सीमाएं मिलती हैं इसकी पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ। पंचकुला का बॉर्डर मिलता है, यहाँ देख लीजिए, ये पंचकुला है, इधर पंजाब है, इधर हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। यादवेंद्र गार्डन पिंजौर में, ठीक है। और उसके बाद हम मोरनी की पहाड़ियाँ और कालका मंदिर पंचकुला में है। ये हरियाणा का सबसे छोटा ज़िला है। इसका वर्ग जो एरिया है वो 898 वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम जनसंख्या वाला भी है, तो इसकी है 55,88,90। ये बनती है 5,98,890,000। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र, तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है 400 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे मोरनी की पहाड़ियाँ हैं, जिस वजह से यहाँ पे वन जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। आगे चलते हैं, आगे आपको मैं बता देता हूँ, माता मनसा देवी मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है हरियाणा का, वो भी पंचकुला में है। काली माता का मंदिर जो कालका में है, ये भी पंचकुला में है। करोह चोटी, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी जो है करोह चोटी, वो मोरनी हिल्स में है, ये भी पंचकुला में आता है। घग्गर नदी पंचकुला में है। घग्गर नदी ये देखिए यहाँ से शुरू होती है हिमाचल से, ये पंचकुला में जाती है, फिर अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा और आगे पंजाब में चली जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं HMT। HMT भी पंचकुला में है, पिंजौर। सीमेंट उद्योग सूरजपुर में है, पहाड़ी एरिया है और सीमेंट उद्योग भी सूरजपुर में है। प्रमुख खनिज चूना पत्थर, ये भी पंचकुला में मिलता है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम ये भी पंचकुला में है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आपको मैं बता देता हूँ, तीतर प्रजनन केंद्र मोरनी में है, ये भी पंचकुला में पड़ता है। गिद्ध प्रजनन केंद्र, ये भी पंचकुला में है। पालतू पशु चिकित्सा केंद्र पंचकुला में है। गुरु मंजी साहिब गुरुद्वारा पिंजौर में है, जो वो भी पंचकुला में आता है। और जो नाडा साहिब गुरुद्वारा है ये भी पंचकुला में है। इसके साथ साथ HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, HSBTE हरियाणा स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन, ये भी पंचकुला में है। और इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन वो भी पंचकुला में है, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट की सारी डिटेल, ये जो मैंने आपको बता दी है। इसके साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किया है, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।